नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल डिब्बा अनबॉक्सिंग पर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक पावर बैंक को जो हमने फ्लिपकार्ट से लिया है, और आप इसको अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी ले सकते हैं, जो प्राइस है वो सेम टू सेम है। तो चलिए इस बॉक्स को अनबॉक्सिंग कर ले, रिव्यू देते हैं। तो चलिए इस बॉक्स हम अनबॉक्स कर देते हैं यहाँ से। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा नाइफ है जो हर वीडियो में आपको बताता हूँ। इसको हमने पुष्कर से लिया था। ऑनलाइन ये नाइफ बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि यार सरकार ऐसे जो चाकू वगैरह है ना उसको बेचने के कुछ नियम बना रखते हैं, तो इसलिए आपको दिक्कत आती है। ऑनलाइन पहले बिकता था फ्लिपकार्ट में, लेकिन अभी दिक्कत है। तो दोस्तों ये बॉक्स है, ठीक है। मैंने इसे कल मंगाया और कल ऑर्डर किया और आज आ गया। आमतौर पर हमारे यहाँ कोई भी प्रोडक्ट 6 से 7 दिन बाद आता है, ये इतना जल्दी क्यों है मुझे नहीं पता। और भाई देखो, सबसे पहले यहाँ लिखा रखा है सिक्योरिटी सील फॉर प्रोटेक्शन। अगर ये सील टूटी हुई है तो आप वापस भेज दो, तो ये टूटी हुई तो नहीं है, ठीक है। तो आगे दोस्तों लिखा आ रहा है MI पावर बैंक i3 2000 mAh की बैटरी है, 18 वाट फास्ट चार्जिंग है, ठीक है। ट्रिपल पोर्ट आउटपुट है आपको दिखाई दे रहा है, और ड्यूअल इनपुट है, और एडवांस टू लेयर प्रोटेक्शन भी दे रखा है, और मेड इन इंडिया लिख रखा है। साइड में लिख रखा है MI पावर बैंक 2000 mAh, और इसमें भी लिख रखा है 2000 mAh, और पीछे भाई बहुत सारी जानकारी दे रखी है, आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। पावर बैंक के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है दोस्तों कि भाई पावर बैंक बहुत महंगे हैं दोस्तों, तो हमें इसमें से हटाते हैं, ठीक है। चलो बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, और एक हम इसके अंदर दोस्तों मिलती है केबल, ये केबल, छोटी सी केबल। आपको पता है छोटी केबल क्यों दी जाती है, क्योंकि अगर आप एक मोटी केबल लाओगे ना तो बीच में पावर ख़त्म हो सकता है, तो हमें छोटी सी केबल दी जाती है ताकि आप इसके पास से रहकर चार्ज करें। तो दोस्तों बॉक्स के अंदर से हमें एक मिलता है पावर बैंक, एक मिलती केबल, और एक मिलती दोस्तों ये मैनुअल, जिसको आप पढ़ सकते हैं। इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी लिखी हुई है। बहुत सारे लोग फिर नीचे कमेंट करते हैं भाई इसके अंदर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो आप इस पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके बात कर लेते थे, ये प्लास्टिक का बना हुआ है और इसका जो टेक्स्चर है वो थोड़ा सा खरदरा है, ठीक है। इसमें MI लिखा हुआ है, और ये जो बटन है ना दोस्त, ये लो पावर करने के लिए है, बाकी इससे ऑन ऑफ नहीं होता, देखिए कहीं भी ऑन ऑफ नहीं लिखा हुआ है। और ये इसका आउटपुट है, ठीक है। तो इसके जो आउटपुट है दोस्तों, आप इसको टाइप सी से भी चार्ज भी कर सकते हैं, और जो आपका ये USB पोर्ट है इससे भी चार्ज कर सकते हैं, और इन दो से आप आउटपुट ले सकते हैं। और जो टाइप सी है इससे आप इसको भी चार्ज कर सकते हैं, फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लिखी हुई है, 2000 mAh वगैरह का है, ठीक है। तो अभी मैं देखो आपको चार्ज करके दिखाता हूँ, जिससे मेरा फ़ोन है ये सैमसंग का, और ये जो प्रोडक्ट है 18 वोल्ट सपोर्ट करता है फास्ट चार्ज, और मेरा फ़ोन 25 वोल्ट सपोर्ट करता है, ठीक है। तो मैं पहले टाइप सी से मेरा फ़ोन को चार्ज करके दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने टाइप सी में डाली तो ये फास्ट चार्जिंग लिखा हुआ आ गया है, 18 वोल्ट की लिख रहे हैं फास्ट चार्जिंग, ठीक है। और ये चार्ज होने लग गया, देखिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं इसको निकालता हूँ, ठीक है, और अगर मैं इससे चार्ज करना चाहूँ, ठीक है, तो इससे भी आप आपके फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। आपको इसमें डालना है और आपको फ़ोन के लगा देना है, तो देखिए फ़ोन चार्ज हो रहा है, देखिए लिखा आ रहा है ना फास्ट चार्जिंग। तो अभी देखिए, अभी मैं जब चार्ज कर रहा हूँ तो 1 घंटा 1 मिनट लिखा आ रहा है फुल चार्जिंग होने में, ठीक है। लेकिन जब अगर मैं इसको इससे चार्ज करता हूँ टाइप सी से, तो कितना लिखा आ रहा है टाइम, तो अभी 1 घंटा लिखा हुआ रहा है, यानी दोनों पोर्ट बराबर ही पावर दे रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसको चार्ज करना चाहते हैं तो आप टाइप सी से चार्ज कर सकते हैं, तो इसके लिए आपके पास एक बोर्ड होगा ऐसा बोर्ड, ठीक है, देख रहे हैं ना बोर्ड है मेरे पास, और इस बोर्ड के अंदर आप इसको डाल दीजिए, तो ये देखिए चार्ज होने लग गया है, इसके अंदर लाइट है वो ब्लिंक करने लगी है, देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार ये चार्ज होगा। और इसके अलावा दोस्तों आप अगर आपके पास टाइप सी नहीं है, तो आप जो USB आते हैं ना,
यह सपोर्ट, उससे भी इसको चार्ज कर सकते हैं, यानी कि आप तीन से आउटपुट ले सकते हो, एक दो तीन और दो में इसको इनपुट दे सकते हो, ठीक है। और अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिए और ऐसी वीडियो देखना चाहिए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।